ये प्रदर्शनी मन लगा पाए एक बेहद ही शर्मनाक मामले में जहां एक तरफ जवान बेटा शहीद हुआ तो दूसरी तरफ मंत्री 50 लाख का चेक लेकर रोती बिलकती मां के पास कैमरों सहित पहुंचे और फोटो खिंचवाने में लगे रहे। असीम दुख के घड़ी में बिलकती मां ने मंत्री से भी कहा कि प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरा लाल लौटा दो। हृदय विदारक दृश्य में मां ये भी कहती सुनाई दे रही है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मंत्री जी बड़ी ढिटाई से चेक पकड़ाकर सही पोज में फोटो लेने का प्रयास करते दिखे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए 27 साल के युवा पैरा कमांडो कैप्टन शुभम गुप्ता के आगरा स्थित घर सरकारी सहायता का 50 लाख का चेक लेकर पहुंचे थे। अभी शहीद की पार्थिव देह भी घर नहीं पहुंची थी जब ये मंत्री जी शोक में डूबी माँ को बाहर कैमरों के सामने बुलाते हैं और चेक पकड़ाते हैं और उसका फोटो बनवाने में बेशर्मी दिखाते हैं। घटना के बाद से सोशल मीडिया में मंत्री के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और लोगों का मानना है कि ऐसे समय में मंत्रियों और नेताओं को सरकारी सहायता का ढोंग नहीं पीटना चाहिए। मंत्री की इस संवेदनहीनता को आप किस तरह से देखते हैं और आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। एक बेहद ही शर्मनाक मामले में जहां एक तरफ जवान बेटा शहीद हुआ तो दूसरी तरफ मंत्री 50 लाख का चेक लेकर रोती बिलकती मां के पास कैमरों सहित पहुंचे और फोटो खिंचवाने में लगे रहे। असीम दुख के घड़ी में बिलकती मां ने मंत्री से भी कहा कि प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरा लाल लौटा दो। हृदय विदारक दृश्य में मां ये भी कहती सुनाई दे रही है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मंत्री जी बड़ी ढिटाई से चेक पकड़ाकर सही पोज में फोटो लेने का प्रयास करते दिखे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए 27 साल के युवा पैरा कमांडो कैप्टन शुभम गुप्ता के आगरा स्थित घर सरकारी सहायता का 50 लाख का चेक लेकर पहुंचे थे। अभी शहीद की पार्थिव देह भी घर नहीं पहुंची थी जब ये मंत्री जी शोक में डूबी मां को बाहर कैमरों के सामने बुलाते हैं और चेक पकड़ाते हैं और उसका फोटो बनवाने में बेशर्मी दिखाते हैं। घटना के बाद से सोशल मीडिया में मंत्री के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और लोगों का मानना है कि ऐसे समय में मंत्रियों और नेताओं को सरकारी सहायता का ढोंग नहीं पीटना चाहिए। मंत्री की इस संवेदनहीनता को आप किस तरह से देखते हैं और आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। चाहिए। 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 चाहिए।